लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए लाइव डिस्ट्रिक्ट न्यूज और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरियाली तीज के अवसर पर महानगर के सदर कोतवाली क्षेत्र बनबटागंज में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी तीज मेले का आयोजन किया गया। कई वर्षों से तीजो मेला समिति बनबटागंज की ओर से मेले का आयोजन किया जाता आ रहा है। इसी के तहत बनबटागंज स्थित सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल में हरियाली तीज के अवसर पर तीज मेले का आयोजन किया गया। तीज मेला में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया, जिसमें 30 जून मेहंदी प्रतियोगिता सहित विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित हुई। प्रतियोगिता में विजयी रहे प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इसमें महिला और बच्चों की भीड़ नजर आई। वहीं महिला और बच्चों ने तीज के अवसर पर मेले में लगे झूलों का भी जमकर लुत्फ उठाया। दिनकर गोयल, स्थानीय पार्षद हूँ भारतीय जनता पार्टी का। हमारे यहाँ हरियाली तीज का उत्सव मनाया गया और सबसे प्राचीन मेला 70 साल पुराना ये हमारा हरियाली तीज मेला है, जो बनबटागंज बगिया में सरस्वती शिव मंदिर में लग रहा है। इसमें बच्चों के लिए जूनियर ग्रुप के लिए डांस प्रतियोगिता, सीनियर ग्रुप के लिए डांस प्रतियोगिता, मेहंदी प्रतियोगिता और आज का जो मुख्य आकर्षण था हमारा आज की तीज क्वीन, और उसके बाद हमने सरप्राइज की व्यवस्था करा। लगभग हमने 30 बच्चों को पुरस्कार दिए। क्या क्या नाम थे बच्चों के? नाम थे दिव्या, प्राची, सक्सेना, मान्या, परी, गौरी, मन्नत और रागनी। ये जो त्यौहार हमारा तीजों का जो है, ये स्पेशली महिलाओं और बच्चों के लिए है, और जो हमारा जो हम जो प्रोग्राम कराते हैं ये केवल इसमें जो एंट्री होती है केवल महिलाओं की और बच्चों की होती है, और भारतीय संस्कृति का पूरा यहाँ पर ध्यान रखा जाता है। मैं अशोक कुमार अग्रवाल, ये मोहल्ला बनबटागंज। हमारे यहाँ 70 वर्ष से तीज मेला, हरियाली तीज मेला लगता हुआ आ रहा है, उसी की व्यवस्था संभाल रहे हैं। पहले हमारे बुजुर्ग संभालते थे, आज हमें मौका मिला है सेवा करने का। अरे माता पार्वती के लिए खुश करने के लिए शिव जी ने कथा सुनाई, उसी की परंपरा चली आ रही है। 70 वर्ष से कर रहे हैं। यहाँ बहुत तरीके के कार्यक्रम किए जाते हैं, जैसे कि डांस प्रतियोगिता, जूनियर डांस प्रतियोगिता, सीनियर डांस प्रतियोगिता, मेहंदी प्रतियोगिता, तीज क्वीन, लक्की ड्रा और सरप्राइज भी दिया जाता है। अभी रूप से राज्य मंत्री रामपुर से हैं माननीय सूर्य प्रकाश पाल जी की वाइफ आई थी यहाँ, अनिता पाल जी। संदेश ये दूंगा कि जिस तरह से हरियाली तीज मनते आ रहे हैं, पूरे देश में बनना चाहिए, पूरे देश में बनना चाहिए, राज्य को। वैसे ये खास तौर से हमारा मेला बच्चों और महिलाओं के लिए ही है, और बड़े यहाँ करीब 1500 बच्चे आते हैं, बच्चे और महिला मिला के 1500 की संख्या हो जाती है। बड़े धूमधाम से मनता है और हर वर्ग के लोग यहाँ आते हैं, यहाँ कोई भेदभाव की बात नहीं है। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए लाइव डिस्ट्रिक्ट न्यूज और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब।